देखिएगा, बताएं दिल्ली कितने में हैं आज केसेस। कुल मिलाकर 1767 पॉजिटिव केसेज हैं, जिसमें से 67 केस जो हैं कल नए आए थे, और कुल मिलाकर दिल्ली में अभी तक 42 डेथ्स हो चुकी हैं। और जो पेशेंट्स हमारे अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं, उसमें से 911 पेशेंट जो हैं बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं। आउट ऑफ दिस 27 लोग आईसीयू में और 6 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर कितने रैपिड किट ये पता चला है कि दिल्ली सरकार को हाँ मिले, जी, कितने मिले और कब रैपिड से किट टेस्टिंग हमारे शुरू को कर रहे 42,000 किट मिल गई हैं। आज ट्रेनिंग चल रही है, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं तो कल से स्टार्ट करेंगे। क्या सर करेंगे सर, रैपिड में कैसे टेस्ट करेंगे सर। कंटेनमेंट जोन, जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन हैं, सबसे पहले उनको टेस्ट किया सर शुरुआत जाएगा। कहाँ से की जाए, क्या निजामुद्दीन जैसे नहीं जगह से नहीं शुरुआत करेंगे सर। कंटेनमेंट जोन एक भी नहीं, सब में एक साथ स्टार्ट करेंगे। सब में एक साथ सर। एक और चीज़ हो रही है, अब 20 तारीख से छूट मिलने की बात है, तो दिल्ली में ये किन किन चीज़ों में छूट मिलने जा रही है, आपकी कोई योजना है इस तरह देखिएगा, की। आपने केंद्र सरकार ने जो निकाला था नोटिफिकेशन में पढ़ ही लिया होगा, तो उसके हिसाब से ही छूट होगी, उसके अलावा नहीं होगी। सर जो नए मामले आए हैं उसमें अब वो लोग नहीं है जो कि संक्रमित हुए, वो सारे वैसे लोग हैं जो सेवा में जुड़े हुए थे, चाहे नहीं ऐसा वो नहीं, नहीं, नर्सिंग नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अदर्स अभी में देखिए, जो। नहीं नहीं संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में आए हुए लोग ज्यादातर हैं। सर एक जो स्पेशल ऑपरेशन वाले हैं उनका क्या स्टेटस है, सबका टेस्ट हो चुका है या अभी कुछ बचे हैं। एक बार ही सबका हो चुका है, हाँ 1,080 लोग अभी तक उसमें पॉजिटिव आए हैं। सर, इसमें एक खबर ये भी है कि कुछ 100 से 150 लोग हैं जिनकी हिस्ट्री अभी तक मिल नहीं पाई है, वो नहीं, ऐसा कैसे नहीं है। कंटेन हुए अरे हैं नहीं या नहीं नहीं किसको। ऐसा नहीं था। उसमें क्या होता है कि जो लोगों के आगे कि भाई के इसके आगे कांटेक्ट कितने हैं, इसको किससे कांटेक्ट मिला, उसको क्या होता है, 1 दिन 2 दिन लगते हैं। मान लो जैसे कल पॉजिटिव आया तो उसकी सारी हिस्ट्री निकालने में 1 दिन लग जाता है, उस तरह के केस सर अदर्स का जैसे 191 मामला हो गया है, कल जो सबसे ज्यादा मामले थे वो अदर्स में ही थे, ये अदर्स की कैटेगरी क्या है। अदर्स में क्या होता है, जैसे कल जो रिपोर्ट आई 67, वो सारे अदर्स में रह जाते हैं। और कुछ लोगों के जो थे पुराने जो चल रहे थे ना, कि भी जिसके अंदर के इसको एग्जैक्टली कहाँ से मिला, कुछ केसेस वो भी थे, तो पिछले 2 दिन के केस हैं और कुछ थोड़े से पुराने हैं। सर नर्सिंग स्टाफ लगातार खाने की खराब क्वालिटी की शिकायत कर रही है, कल जीटीबी नगर हॉस्पिटल से, जीटीबी हॉस्पिटल से भी खबर आई जिसमें वही वीडियोज आए जिसमें नर्सिंग स्टाफ कह रहे हैं कि हमें खाने की क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत कम क्वालिटी का खाना मिल रहा है। ऐसा करते हैं, 5 स्टार से बंद करा देते हैं, फिर से वापस चालू कर देते हैं। मैंने सुना कि 5 स्टार का शायद उनको मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, ऐसी शिकायत मिली है लगता है मुझे भी, कि ताज होटल से 5 स्टार से खाना आ रहा है तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया वो, तो दोबारा से जो होता है नॉर्मल स्टार्ट करा देते हैं।